नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर्स हैं क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट ढालपुर कुल्लू, को स्पॉन्सर्स काइस विला कंट्री होम काइस, डीके इलेक्ट्रॉनिक कलहली, हाईटेक सतलुज मोटर्स बाशिंग, हिमाचल वुड एंड क्राफ्ट भुट्टी कॉलोनी, थ्री स्टार झूला कंपनी हमीरपुर, संधू गारमेंट्स शास्त्री नगर, इंदिरा एडवेंचर इक्विपमेंट रेंटल शास्त्री नगर कुल्लू। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज मनाली की कई पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनाली विहाल की 200 बीघा भूमि पर नेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा और सोलंग डंपिंग साइट की 122 बीघा भूमि को साहसिक खेलों व अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा। उन्होंने मनाली गौशाल पलचान कोठी के लिए मुद्रिका बस चलाने का भी ऐलान किया। जगह जगह वन व परिवहन मंत्री का लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं गोविंद ठाकुर ने लोगों का चुनाव में समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली के सहयोग से जिला कुल्लू में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। फरवरी व मार्च माह के अंतिम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित उनके विभाग से डॉक्टर गुलाब सिंह आजाद विशेष रूप से शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय शिविर के दौरान कोऑपरेटिव लीडरशिप को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुल्लू जिला सहकारी संघ समिति के अध्यक्ष व पूर्व बागवानी मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने बताया, आज यह सहकार भवन कॉम्प्लेक्स में कुल्लू जिला सहकारी संघ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई, जिसमें कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लगभग सभी लोग शामिल थे। इसमें श्री डोला सिंह मत वाइस चेयरमैन, श्री सुखदास नैयर जी, श्री देव ठाकुर, सुश्री बीना वेरिया जीएम और डोलमा बिष्ट, विद्या नेगी, विद्या शर्मा और प्रेमलता ठाकुर, उर्मिल सूद और बाकी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी लोग शामिल, हाँ चंददास डोगरा जी, सभी लोग शामिल हुए, प्रेम शर्मा। आज बैठक सबसे पहले जो नई सरकार आई है आज चुनाव के बाद, उसका स्वागत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बधाई दी गई और ये उम्मीद की थी उनकी सरकार अच्छे ढंग से प्रदेश का चहुंमुखी विकास करेगी और जो सहकारिता इसका कि संविधान में जिक्र है उसके बाद, और सहकारिता का जो जन्म है वो हिमाचल में ऊना ज़िला में हुआ था, तो सहकारिता पर वो विशेष ध्यान देंगे जिससे कि प्रदेश की जो बेरोजगारी खत्म हो सके। और उसके 18 फरवरी को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा महा आंदोलन। भारतीय गौ क्रांति मंच कुल्लू इकाई के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह मल्होत्रा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि 18 फरवरी को गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश से करोड़ों लोग महा आंदोलन के लिए इकट्ठा होंगे। आंदोलन का नेतृत्व गौ गंगा कृपांशी गोपाल मणि करेंगे। वो दिल्ली में रामलीला मैदान में महा आंदोलन हो रहा है पूजनीय गोपाल मणि महाराज के सानिध्य में। इसकी शुरुआत 18 जनवरी आज से हमने स्टार्ट कर दी, शुरू कर दिया है। इसका ज्ञापन भी हमने डीसी साहब को सौंप दिया है और हम अब शुरुआत कर रहे हैं। अपना पंचायत ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज हम जाएंगे उनके, उनसे फिर आह्वान करेंगे भी साथ में जाने के लिए। तो जब राष्ट्रमाता बन जाएगी, राष्ट्रमाता बनने से गौ मंत्रालय अलग से बन जाएगा, तो इसके लिए कानून भी अलग से बन जाएंगे। कानून बनेंगे तो ये जो लोग छोड़ रहे हैं, जो जिसके कारण सड़कों पर आज गौ माता आ चुकी है, तो वो उसके लिए कानून बनने से उनका दंड भी उनका बन जाएगा, उनको दंड भी होगा, जिससे वो लोग डरेंगे छोड़ने से। जब तक दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक लोग छोड़ने से नहीं हटेंगे। और दूसरा, ये जो बूचर खानों में हत्या हो रही है, इनकी जो काटी जा रही है लाखों की तादाद में, इससे तो गौमंस आने वाले समय में खत्म समाप्त हो जाएगा। माँ गौ माता राष्ट्रमाता बनने से हमें ये भी, इसके लिए भी मृत्यु दंड हो जाएगा, कोई कानून ऐसे बन जाएंगे जिससे वो भी कटने से बच जाएंगे। 18 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसमें कार सेवा संस्था का भी पूरा सहयोग इसमें दिया जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी भी जो संस्था है गौ माता के ऊपर कुल्लू जिला में कार्य कर रही है।
और आज जो है डीसी साहब को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा जो 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में रामलीला मैदान में ये गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना है। बंजार उपमंडल की रैला पंचायत में गणतंत्र दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। इसमें युवाओं के लिए वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी सहित कुलवी नाटी सहित कई देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शिव शक्ति युवक मंडल के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी 24 जनवरी को करेंगे। कुल्लू विधानसभा के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस से मिले कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि कुल्लू में करोड़ों की लागत से बहुउद्देशीय सदन बनाए जाएंगे। उन्होंने घाटी के लोगों से बातचीत करके जगह तलाशने की बात भी कही है। प्रेस से मिले कार्यक्रम के दौरान विधायक ने भविष्य में कुल्लू के विकास की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की। अभी मैंने शपथ ली, विधानसभा गया, एक नया एक्सपीरियंस था, नई जिम्मेवारी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि एक सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। पहले मैं कांग्रेस का प्रत्याशी था, अब मैं विधायक हूँ और मुझे किसी भी भेदभाव के पार्टी से ऊपर उठकर सबकी सेवा करनी है। मैं जब विधानसभा में गया, बहुत वरिष्ठ लोग वहाँ पे थे, नई युवा टीम आई है, नया एक जो बदलाव होकर नई राजनीति आज हिमाचल में आई है। और मुझे सौभाग्य है कि इस विपरीत, क्योंकि जो जहाँ तक आप पार्टी का देख रहे होंगे कि बड़ी हमारे पक्ष में जो एक इतना माहौल नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पे मुझे मौका दिया है कि मैं उनका प्रतिनिधि बनूँ। मैंने कुछ बातें कही है, एक तो मैं राजनीति से ऊपर उठकर सभी की सेवा करना चाहता हूँ और सभी व्यक्ति, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझसे सीधे तौर पर मिले, किसी बिचौलिए या किसी के माध्यम से मिलने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा, मैं सीधे तौर पे सबसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण परिवार का व्यक्ति हूँ, गांव से उठा हूँ, संघर्ष से आज लग वैली में मैं शालंग में पैदा हुआ, उसके बाद हमारा परिवार शमशी आज से लगभग 40 साल पहले शमशी की तरफ गया, फिर शमशी से मैं कुल्लू आकर अभी 20 साल से यहाँ पे अपना मुझे एक बसने का मौका मिला है। मुझे सब जगह का, सभी जगह मेरा अपना है और खासतौर पर तीनों क्षेत्र ही मेरी विधानसभा में आते हैं। सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है और मैं चाहता हूँ, मुझे, मैं महसूस करता हूँ कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि सीधे वो अपने नेता से मिले और वे सभी लोग बेरोक टोक जब मर्जी मुझे मिल सकते हैं। लुधियाना में हुई राष्ट्रीय दृष्टि बाधित दौड़ में कांस्य व रजत पदक जीतने वाले सिरमौर जिला के वीरेंद्र को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश का नाम रोशन करने पर बधाई दी है।